धर्म का नाम सुना है आपने? दुनिया का सबसे बड़ा सत्य या फिर दुनिया का सबसे बड़ा झूठ? इन्होंने हमें एक समान तो कह दिया पर एक साथ नहीं किया। खैर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है लोग धर्म का सम्मान कितना करते हैं। लोग धर्म का सम्मान करते हैं परंतु तब तक कि जब तक कि उसके पास पैसा है। जैसे ही धर्म का पैसा खत्म हुआ, जेब खाली हुई, लोगों ने अपना आंखें बदल दिया। मैं मतलब समझा, एक उदाहरण लीजिए। आपके पास चार आदमी आते हैं मोटर गाड़ी में बैठकर कोट पतलून पहनकर और आपसे किसी आश्रम या विद्यालय अनाथालय के लिए चंदा मांगते हैं। आप उन्हें बैठाते हैं, चाय कॉफी पिलाते हैं और 500-700 रुपए दे देते हैं। फिर आपके पास एक ब्राह्मण आता है, नंगे पांव, नंगे सिर, फटी पुरानी धोती पहना हुआ। तो पहले तो महाराज आपके दरबार लोगों से अंदर प्रवेश ही नहीं होने देंगे, और अगर उसकी मिन्नत समाज सुनकर उन लोगों का दिल पिघल गया और आपके सामने उपस्थित होने भी दिया तो आप क्या करेंगे? उसको 3-5 रुपए दे देंगे, वो भी उपेक्षा से। मैं पूछता हूं, यह मांगने दोनों आए थे, धर्म दोनों थे, आवश्यकताएं भी दोनों की सच्ची थी, परंतु पहले आए हुए आदमी को आपने सम्मान भी दिया और धन भी दिया, दूसरे आदमी को आपने ना सम्मान दिया ना धन, यह क्यों? केवल इसलिए क्योंकि पहली अवस्था में धन कोट पतलून पहनकर मोटर गाड़ी में बैठकर आया था और दूसरी अवस्था में धन नंगे पांव आया था, पैदल चलकर आया था।